आज माह रमज़ान में बुध जमेरात और जुमतलमबारक के दिन दूसरे तीसरे और चौथे रोज़े का एक ऐसा वज़ीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो बंदा सिर्फ़ एक बार अल्लाह व हसम वकील को बताए गए तरीक़े से दो रमज़ान बुध के दिन तीन रमज़ान जमेरत के दिन और चार रमज़ान जुमतलमुबारक के दिन सिर्फ़ एक बार इस वसीफ़े को पढ़ लेगा काबा की कसम माह रमज़ान के पहले बुध जमेरत और जुमतःलमबारक के दिन वकील पढ़ते साथ ही ग़ैब से आवाज़ आएगी आओ अपना रिस्क ले जाओ आओ अपनी हर हाजत की कामयाबी ले जाओ आओ अपने घर का सकून और बरकत ले जाओ अलावाल माह रमज़ान का वो महीना जिसे असमत वाला बरकत वाला महीना कहा जाता है आज माह रमज़ान के पहले बुध जुमेरात और मुबारक के दिन हसबू वकील को बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा खुदा की कसम नौ सौ करोड़ भी मांगोगे तो ग़ैब से फरिश्ते आकर आपके घर में रिस्क और दौलत के ख़जाने छोड़ जाएंगे अलावालो हर कोई जानता है कि माह रमज़ान के तीन अशरे हैं पहला अशरा रहमत का अशरा दूसरा अशरा गुनाहों की बख्शिश का अशरा तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से बचने का अशरा है आज रहमत के अशरे में दो तीन और चार रमज़ान बुध जमेरात और जुमतुलमबारक के दिन सिर्फ़ एक बार ये वसीफ़ा पढ़ने से अगर कोई मनपसंद नौकरी मांगेगा नौकरी मिल जाएगी मनपसंद शादी के लिए पड़ेगा कारोबार में तरक्की के लिए पड़ेगा घर में सकून और बरकत के लिए पड़ेगा किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए किसी भी परेशानी से निजात के लिए माह रमज़ान के पहले बुध जमेरत और जुमतःलमबारक के दिन ये तीन दिन हैं आप चाहे बुध के दिन पढ़ लो आप चाहे जुमेरात के दिन पढ़ लो आप चाहे जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लो लेकिन आपने ये वसीफ़ा सिर्फ़ एक बार पढ़ना है अलावा आप ये वसीफ़ा किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं आप चाहे सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें आप तहजद के वक्त पढ़ लें नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें जहर के बाद पढ़ लें असर के बाद पढ़ लें मगरब ईशा किसी भी नमाज के बाद हती के अफ्तारी के वक्त भी ये वसीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है सिर्फ इतना कहूँगा कि रमज़ान का पहला अशर रहमत का अशर है और रहमत वाले अशरे में रमज़ान की पहली बुध जुमेरात और जुमतुलमबारक के दिन अल्लाह हसन वकील का एक ऐसा ख़ास और शतिया वज़ीफ़ा ले कर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो लोग खुली आँखों से रब के कमालत को मोज़ात को देखना चाहते हैं जो रब की गैबी मदद देखना चाहते हैं ग़ैब से जब मदद आती है ना रबा ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है आज अगर कोई बंदा मजबूर है लजार है बेबस है मायूस है तो दो तीन और चार रमज़ान जुमेरात और मुबारक के दिन सिर्फ एक बार ये वसीफ़ा पढ़ लो गैब से आवाज़ आएगी ग़ैब से फरिश्ते रस्क और दौलत लेकर आ जाएंगे अलावा जब किसी के साथ गैपी मदद हो जाती है वो बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है फिर रमज़ान तो कबूलियत का महीना है जुमेरात और जुमा का दिन तो पहले ही बहुत फजीलत व बरकत का हामिल है और जब जुमेरात और जुम्तुलमारक रमज़ान के महीने में आ जाते हैं तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अलावा दो तीन और चार रमज़ान इसमें रमज़ान की नो नौ चंदी जुमेरात है नौ चंदा मुबारक है इन तीन दिन की इतनी तो बरकत है आप चाहे बुद्ध को पढ़ लें जुमेरात को पढ़ लें जुमे को पढ़ लें सिर्फ एक बार ये वसीफ़ा आपने मेरे कहने पर करना है एक बार मेरे कहने पर करिएगा गैबी फ़रिश्ते आपके हर मकसद में कामयाबी को लेकर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे एक वो वक्त है जब बंदा अपने मुश्किल वक्त में अपनी परेशानियों में अपनी मुसीबतों से निजात के लिए दर दर की ठोकरें खाता है लोगों के ताने सुनता है लोगों की बातें सुनता है आज वो वसीफ़ा वो अमल बताने जा रहा हूँ अगर कोई बंदा दूसरे तीसरे और चौथे रज़े रमज़ान की पहली बुध जमेरात और जुमतुलमबारिक के दिन सिर्फ़ एक बार ये अमल कर लेगा दुनिया की हर शह खुद चल कर आएगी जिस नौकरी के लिए आप सिफ़ारशें करा, करा कर जिस नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें और ताने सुनकर थक चुके हैं वो नौकरी खुद चल कर आपके कदमों में आएगी ये रमज़ान का महीना है रमज़ान की नौ चंदी जुमेरात और जुमातुल मुबारक भी दूसरे तीसरे और चौथे रोज़े आ जाएगी आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं आप चाहे पाकिस्तान से हैं आप सऊदी अरेबिया से हैं आप इंडिया से हैं आप बांग्लादेश नेपाल मस्कत ओमान जापान दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है दो तीन और चार रमज़ान रमज़ान की पहली बुध जमेरात और चुमतर मुबारक के दिन आपने सिर्फ एक बार ये वसीफ़ा पढ़ना है आप किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं न वक्त की कोई पाबंदी है न जगह की कोई कैद है जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये वसीफ़ा पढ़ लेना है अलावा आज रमज़ान के महीने में हर तरफ़ से राहमतें बरकतें छमा छम बरस रही हैं क्योंकि यह राहमत का महीना है फ़रिश्तेहमतों के ख़जाने लिए खड़े हैं रब की रात आखिरी आसमान पर आकर सदाएँ लगाती है है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत को पूरा कर दूँ है कोई बेरोज़गार जिस रोज़गार से नवाज दूँ है कोई बे औलाद जो जो साहिब औलाद होना चाहता है शरतिया बेटा भी मांगोगे तो मिल जाएगा अल्लाह ये वक्त साल में एक बार आता है ये गड़ियाँ साल में एक बार आती हैं यह नोचंदी जुमेरात है ये, ये रमज़ान के पहले बुध जुमेरात और जुमातुल मुबारक का खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं आपने रमज़ान की पहली बुध जुमेरात और मुबारक के दिन व निमल वकील का यह खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना नबी करीम सल वसल्लम एक बार जबरील अमीन के पास मौजूद थे जबरील अमीन आए तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए रब के प्यारे महबूब बदब्त है वो बंदा बदनसीब है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी दुआओं को कबूल ना करवाए जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी हर हाजत को पूरा ना कराए नबी करीम सल अल्ला वसल्लम ने पास बैठे जब रीले अमीन की इस बात पर आमीन कहा जो इस बात की दलील है कि बड़ा बद है वो बंदा जो रमज़ान के महीने में रब को रबी ना करता जो रब से अपनी हजात को पूरा नहीं करता आज अहद कीजिए कि आप रमज़ान में रब को राशी करेंगे आप रमज़ान के सारे रोज़े रखेंगे बाज़त नमाज़ पढ़ेंगे अपने घर वालों के हकूक़ अदा करेंगे रब के ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र असकार करेंगे और आज रब करीम को मनाने का रमज़ान की पहली बुध जुमरतारत और जुम्मतमबारक का एक ऐसा कुरानी आयत का ले लेकर आया हूँ ये क़लिमात रब के हैं ये अल्फ़ाज़ रब के हैं लेकिन मांगना भी रब से है रमज़ान की पहली जमारात नो चंदी जमेरात रमज़ान का पहला जुमा मुबारक जुमा और पहला बुध के दिन तीन दिन किसी भी दिन आप ये वसीफ़ा पढ़ सकते हैं आपने इन तीन दिन के अंदर हो सके तो रोज़ाना पढ़ लें रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो तीन दिन के अंदर सिर्फ़ एक बार इस वजीफ़े को पढ़ना है चाहे बुध को पढ़ लो चाहे जुमेरात को पढ़ लो चाहे जुमतःलमुबारक के दिन पढ़ लो लेकिन इन तीन दिन के अंदर अंदर आपने अल्लाह हसबून अल्लामील का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आप सुबह पढ़ेंगे शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी शाम को पढ़ेंगे सुबह तक फरिश्ते रिसक और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करें ऐसे बहुत से वजाइफ़ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा अमल क्या है दो तीन और चार रमज़ान रमज़ान की पहली बुध बुजरात और जुमबारिक के दिन किसी भी वक़्त ये वसीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है मैं रमजान की पहली बुध बुज़रात और जुमा की खसूसी दुआ करता हूँ जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो आमीन ज़रूर कहिएगा पता नहीं किसकी आमीन रब करीम क्यों पसंद आ जाए और हम सब की हर हादत पूरी हो जाए ऐ मेरे मालिक को मौला तरहान है तो रहीम है तो हर शह पे कादिर है आज अपने प्यारे हबीब के सदके रमज़ान की पहली बुद जमरत और जुम्मत मुम्बारिक के दिन हम सबको ये वसीफ़ा पढ़ने की तोफ़ी अता फ़रमा आज अपने प्यारे हबीब के सदके बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमा बे ओलादों को नरीना ओलाद से मालामाल फरमा तंग दस्तों की तंगदस्तियाँ ख़त्म फरमा मौलात दिलों के रास बेहतर जानने वाली ज़ात है जो मांगा मुक़दर फरमा जो नहीं मांगा बिन मांगे अताफ़रमा मुला, आज तेरे दर पर बेकारी फकीर बन बनकर बैठे हैं बिन मांगे अता फरमा आज मुझ समेत हम सब की नेक जाय हजात को पूरा फरमा आमीन 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 एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी अब फौरी तौर पर आपने बावसु मुसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल वसलम की दात पर दरुद पाक पढ़ना है दरुद पाक कोई इस भी पढ़ सकते हैं आप सल्लल्लाहु सलील मुहम्मद पढ़ लें आप सल्लल्लाहु अलैहि सल् वसल्लम पढ़ लें आप नमाज वाला दरुद इब्राहिम पढ़ लें इससे पहले तवज्जो कीजिएगा हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत सी बेटियाँ माँ बुज़ुर्ग वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रही हूँ लेकिन अब रमज़ान के पहले बुझ जुमेरात और जुमा के दिन का ख़ास और शर्त वसीफ़ा बताने जा रहा हूँ एक एक नुकता एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ख़ास है आपके वीडियो स्किप करके देखने ये या काट कर देखने से अगर वसीफे का कोई हिस्सा छूट गया कोई ख़ास बात मिस हो गई तो पूरा साल पछताना पड़ेगा इसलिए पछतावे से बेहतर है कि काश रमज़ान के पहले बुध जमेरात और जुमा के दिन अल्लाह वकील का ये वसीफ़ा पढ़ लिया होता बेहतर है कि आप वीडियो को मुकम्मल देख कर बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ लें अब आपने एक बार सवाब की नीयत से दरुद पाक पढ़ लीजिए सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला हमीद व अला आलि हमीदु मजीद अल्लाहु मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला क़माबारक़ा व अला आलि का हमीद हमीदु मजीद एक बार दरुद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है आज रमज़ान के पहले बुध नौ चंदी जुमेरात और रमज़ान के पहले जुम्मत मुबारक के दिन रब करीम से जो मांग सकते हो मांग लेना आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना आज रब से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है जो आपको लगता है कि यह हाजत ये मकसद पूरा हो नहीं सकता आज रब करीम से वो मांगना मुसल्ह छोड़ने से पहले हर हाजत यकीनी तौर पर पूरी हो जाएगी जिसको यकीन नहीं आता वो दो तीन और चार रमज़ान रमज़ान की पहली बुध जुरात और जुमा के दिन एक बार ये वसीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा मैं फिर कह रहा हूं आज जिसको जो चाहिए मांग लो जितना चाहिए मांग लो क्योंकि एक अल्लाह वकील की पढ़ते दौरान आज आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो सौ फीसद गारंटी से पूरा होकर रहेगा अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊजा शवान बसमान राहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वसीफा पढ़ना है वो वसीफा रब करीम के एक सिफाती नाम का वजीफा है आपने या करीमु को पढ़ना है अल्लाह करीमू का मतलब क्या है कि ए करम करने वाली जात आज ऐसी नजर करम कि जो बंदा रमजान की पहली बुध जुमेरा और जुमा के दिन या करीमू से रब को पुकारेगा रब की जत ऐसी नसरे करम फरमाएगी कि आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज या करीम पढ़ते साथ ही मिल जाएगा क्योंकि आज रमज़ान का महीना है रमज़ान का पहला अशर है रमज़ान की पहली बुध जमेरात और जुम्मे के दिन का ख़ास अमल बता रहा हूँ बड़ा खुशकस्मत है वो बंदा जो इन तीन दिन के अंदर एक बार ये वसीफ़ा पढ़ लेगा आपने या करीमों को कितनी बार पढ़ना है कैसे पढ़ना है तोज्जो कीजिएगा या करीम रब करीम का सिफ़ाती नाम है या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है जब या करीमों को या अल्लाह से मिला पढ़ा जाता है तो इसकी फ़जीलत तो बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपने या करीमू या अल्लाहु एक बार हो गया या करीमू या अल्लाह दो बार हो गया या करीमूँ या अल्लाह तीन बार हो गया इस तरह से आपने या करीमूँ या अल्ला या करीम या अल्ला को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें तस्वी के दानों पर पढ़ लें आपने सिर्फ़ और सिर्फ, सिर्फ ग्यारह बार पढ़ना है एलेवन टाइम्स पढ़ना है जब आपके मुल्क में रमज़ान का पहला बुध जमेरा और जुम्मे का दिन आ जाए आप चाहे बुध को पढ़ लो जुमेरात को पढ़ लो जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लो आपने इन तीन छोटे छोटे अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ना है पहले नंबर पर या अल्लाहू या करीमो या अल्लाहू या करीमों को हाथ की उंगलियों पर तस्पी के दानों पर ग्यारह बार पढ़ना है और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी अल्लाह अल्ला रमज़ान के महीने में बरकत वाले महीने में असबत वाले महीने में जब कोई बंदा या अला या करीमों को पढ़ना शुरू करता है हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगता है रब करीम हर हाजत को पूरा फरमाते हैं आज या अल्लाहु या करीम पढ़ते दौरान जितना मांग सकते हो मांग लेना जो मांग सकते हो मांग लेना ग्यारह बार या अल्लाह या करीम पढ़ने से एक नज़र करम हो गई तो आपकी नस्लों तक रस्क और दौलत की कमी नहीं रहेगी आप पूरा साल दोनों हाथों से बांटना भी शुरू कर दो तो आपके रिसक में कमी नहीं आएगी आपने या अल्लाह या करीम को बताए गए तरीके से सिर्फ ग्यारह बार पढ़ना है और ग्यारह बार या अल्लाह या करीम पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वसीफा पढ़ना है वो वसीफा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है अलावालो आज मैं वसीफ़ा वो लेकर आया हूं आज का वसीफा मेरी दुखियारी बहनों के लिए है यतीमों के लिए है बेवाओं के लिए है परेशानों के लिए है मायूस और बेबस लाचार मजबूर लोगों के लिए है जो बंद गली में जा चुके हैं जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जो तनहा रह गए हैं जिनकी तरफ़ देख कर लोग मुँह मोड़ मुँ लेते हैं काबा की कसम रमज़ान की पहली बुध जमरात और जुमा के दिन ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीक़े से पढ़ लो पढ़ना आपने है मांगना रब से है रमज़ान का महीना है पहला अशरा है पहली बुध और जुमा का दिन है काबा की कसम ये लोग जो आपके गुरबत का तमाशा बनाते हैं आपकी परेशानियों के ताने देते हैं आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं ये लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे और पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिसक इतनी दौलत इतनी कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं शर्त ये है कि आपने रमज़ान के पहले बुध जुमेरात और जुमा के दिन सिर्फ़ एक बार इस वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीक़े से पढ़ना है अलावालु ये मुस्तिद और वो अमल है जो अकाबरीन का बताया हुआ है अल्लाह इस वजीफ़े को रमज़ान की पहली बुज़रात और जुमा के दिन पढ़ा करते थे आप भी रमज़ान की पहली बुध जमेरा और जुमा के दिन ये अमल पढ़ कर देखिएगा रब करीम ने चाहा तो मुसल्ह छोड़ने से पहले तकदीर के बन ताले खुल जाएंगे। अब आपने फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर हसपन अल्लामील पढ़ना है यह वीफ़ा इतना ख़ास कि आपके लिए आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखा दिया ताकि किसी से गलती कोताही ना हो जाए अब हसपिनल्लाम वकील को पढ़ना है तवज्जो और देहान से पढ़ना है कितनी बार पढ़ना है कैसे पढ़ना है एक एक नुकता एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपने जल्दबाजी नहीं करनी आंखों को बंद कीजिए दुनियादारी ख़त्म कीजिए कोई किसी का नहीं है आज अगर आप अपने मोहताज यानी कि रब के खजानों से मालामाल होना चाहते हैं आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं आप चाहते हैं कि गैब से कोई फरिश्ता आए रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, रातों रात गरीबी का रा परेशानियों का ख़ात्मा हो जाए तो आज व अल्लाम वकील पढ़कर ग़ैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपनी रस्त को ले जाओ आओ अपने ख्वाहिशात को पूरा करा लो आओ अपनी हाजात को पूरा करा लो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी रब की ज़ात ग़ैब से आवाज़ थे कि आओ अपने रस्क को ले जाओ तो अल्लाह हसबून वकील पढ़ लो तो हसबन वकील एक बार हो गया वकील दो बार हो गया हसबा अल्लाह व नीमल वकील तीन बार हो गया इस तरह से आपने हसबन अल्लाह व नीमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें तस्पी के दानों पर पढ़ लें सौ बार पढ़ना है हंड्रेड टाइम्स पढ़ना है लेकिन सौ बार का मतलब है कि सौ बार पढ़ना है बाजुकात बंदा कोताही लापरवाही या जल्दबाजी में कम या ज़्यादा पड़ जाता है लेकिन आपने किसी भी कोताही लापरवाही में पढ़ने से पहले तवज्जो ध्यान के साथ हसबून अल्लाम ववील को सिर्फ़ सौ बार पढ़ना है और सौ बार पढ़ते दौरान रब करीम से जो जो मांग सकते हो मांगते चले जाना हो सके तो एक कागज़ पर अपनी हजात लिख कर बैठ जाना अगर आप सैकड़ों हजात भी लेकर बैठोगे तो सिर्फ़ सौ बार सिर्फ़ एक तस्वीर हसबूनलामकल की पढ़ते साथ ही मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा घर के हालात बेहतर हो जाएंगे हर मुश्किल परेशानी का गैब से ख़ात्मा हो जाएगा जिसको यकीन नहीं आता वो रमज़ान की पहली बुध जमेरात और जुमतुलमारक के दिन सिर्फ़ एक बार ये वजाइफ़ बताए गए तरीके से पढ़ कर देखें अल्लाह वालों ये बने बनाए वसीफ़े नहीं ये मुस्तनद अमाल हैं जिनको अल्लाह वालों ने पढ़ा अकाबरीन ने पढ़ा ये बेहद आसमुदा हैं और आज तक जिसने पढ़ा रब करीम ने नस्लों तक रिसक और दौलत नस्लों तक ख्वाहिशात को नस्लों तक परेशानियों से जान छुड़ा दी अलावाल सिर्फ़ इतना कहूँगा कि रमज़ान के पहले अशरे में राहमत के अशरे में रमज़ान की पहली बुध जुमेरात और मुबारक के दिन जो बंदा इन तीन छोटे छोटे अमाल को बताए गए तरीक़े से पढ़ता है वो उसकी औलाद उसका कारोबार जल्द अरब बन जाता है अगर आप भी जल्द अरब होना चाहते हैं जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं जल्द हर तरह के मसाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये तीन छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने हैं हसमन अल्लाव वकील की एक तस्वीर तवज्जो से पढ़नी है इस दौरान किसी से बात नहीं करनी ना कोई आपसे बात करेगा यह तस्वीर पढ़ते दौरान दिल में जो भी मांग सकते हो मांग लेना यकीन करो आप तवज्जो देहान से ये तस्वीर पढ़ने वाला हो आपको ग़ैब से आवाज़ आएगी आपको महसूस हो जाएगा कि आपके करीब कोई खड़ा है अगर अल्लाह अल्लाव वकील की एक तस्वी रमज़ान की पहली बुज़रात और जुमा के दिन पढ़ते दौरान आपको महसूस हो जाए कि आपके करीब कोई खड़ा है तो समझ लीजिए ग़ैब से आवाज़ आ चुकी है कि बंदे तुम मांग क्या मांगता है अगर महसूस हो जाए कि आपके करीब कोई खड़ा है तो फिर दिल खोल कर मांगना फिर थोड़ा ना मांगना फिर रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है आपकी हर नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हो जाएगी सिर्फ एक तस्वीर पढ़ते दौरान तवज्जो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको महसूस हो सके कि आपको ग़ैब से आवाज़ कोई इशारा मिल रहा है अब ये तस्वीर पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर तीसरा और आखिरी वसीफ़ा जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है आपने रब करीम के दो सिफ़ाती नामों को पढ़ना है आपने या गनी या मुखनी को पढ़ना है कितनी बार पढ़ना है ये भी बताऊँगा पहले तोज् कीजिएगा अब ग़ौर कीजिए पहले नंबर पर क्या पढ़ा फिर हसपून अल्लाम वकील पढ़ा फिर तीसरे नंबर पर या गनीय या मखनीू पढ़ा आप दर्जा ब रब से जो मांगेंगे मिलता चला जाएगा दर्जा ब ऐसे वसीफ़े हैं कि तीनों के तीनों अमाल तकदीर को बदल कर रख देते हैं यह तीनों के तीनों वसीफ़े हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा करने के लिए काफ़ी हैं अगर कोई बंदा पूरे साल की तकदीर को बदलना चाहता है पूरे साल के रिसक और दौलत से मालामाल होना चाहता है घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है अपने आने वाले हर मुश्किल परेशानी से निजात चाहता है तो ये तीन अमाल पढ़ कर देख लें मेरा रब ग़नी कर देगा मेरा रब मांगने वाले को बांटने वाला बना देगा फकीरों को बादशाह बना देगा जब अकाबरीन ने बताया अल्लाह वालों ने बताया अल्लाह के नेक दोस्तों ने बताया कि रमज़ान की पहली बुध जमेरात और जुम्ह के दिन ये तीन छोटे छोटे अमाल पढ़ने वाला खुशकस्मत है तीन छोटे छोटे अमाल पढ़ने वाला गैब से आवाज़ आएगी मांग क्या मांगता है फिर जो मांगोगे मिल जाएगा आपने या गनी ऊँ या मखनीों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें तस्वी के दानों पर पढ़ पढ़ने सिर्फ़ और सिर्फ ग्यारह बार पढ़ना है या गनी या मुखनी मखनीों एक बार हो गया या गनीय या मुखनी मखनीूँ दो बार हो गया या गनी या मगनीूँ तो तीन बार हो गया अब या गनी ओं या मखनीों को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ ग्यारह बार पढ़ते दौरान गैब से फरिश्ता आएगा आपके घर में रिसक और दौलत छोड़ जाएगा नौ सौ करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा आज मैंने आपको तीन अमाल बताए आप चाहे तो रमज़ान की पहली बुध के दिन पढ़ लो रमज़ान की पहली जुमेरात के दिन पढ़ लो रमज़ान के पहले जुम्तुलमुबारक के दिन पढ़ लो इन तीन दिन के अंदर आपने किसी भी दिन सिर्फ एक बार ये वसीफ़ा पढ़ना है यह तीन अमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ने हैं ना कम पढ़ने हैं ना ज़्यादा पढ़ने हैं अगर आपकी लापरवाही कोताही से आपने वसीफ़े को रद्द बदल या किसी भी तरह की कमी कोताही से पड़ा तो वज़ीफ़े का फ़ायदा ना होगा इसलिए एक एक नुक़ा एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती कोताही तही ना हो सके अल्ला रमज़ान की पहली बुझ जुमेरा जुम्मे के दिन यह तीन अमाल बताए गए तरीक़े से पढ़ने के बाद आपने फ़ौरी तौर पर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तोबा करनी है क्योंकि बाजूकत गुनाहों की पकड़ से वजीफे ज़ाया हो जाते हैं यह रमज़ान की पहली बुजुमत चुमा है रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है या तीन अमाल करते ही सच्ची तोबा कबूल हो जाए तो फिर आखिर में उतना ही दरुद पाक लाश पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा अब रब करीम से ज़िद करके मांगने का वक्त है अब रब करीम से अपनी हजात पूरी कराने का वक्त है अब हो सके तो सजदे में जाकर मांगिएगा ग़ैबी फरिश्ते आएंगे, गैब से अल्लाह का कोई वली कोई दोस्त आएगा आपके घर में ख़जाने छोड़ जाएगा आपकी नस्लों को आबाद कर जाएगा आपके हर परेशानी बीमारी रिकावटों बंदिशों और ताकतवर दुश्मन की चीख़ें निकल जाएंगी अगर किसी को अपना बनाना चाहते हो किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो किसी को काबू करना चाहते हो तो यह वसीफ़ा लाजमी कीजिएगा अल्लाह के निन्नवे नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अल्लाह हम सब कहा नासिर हो ऐसे बहुत से वाइफ़ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा अल्लाह हाफिज़